बरेली जिला अस्पताल में खड़ी रहती है प्राइवेट एम्बुलेंस। अधिकारियों की जानकारी के बाद भी नहीं की गई अभी तक कोई कार्रवाई। मरीज को जिला अस्पताल में खराब इलाज बताकर भेज दिया जाता है कुल्हाड़ा पीर रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल। थाना बिसारतगंज के गांव डका निवासी महेश पुत्र वीरपाल हल्द्वानी में मजदूरी करता है। सोमवार को हल्द्वानी से वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में जहर खिलाने गिरोह के सदस्य नशा देकर रुपए और मोबाइल लूट लिए। बेहोशी हालत में उसे 108 एम्बुलेंस द्वारा कैंट गेट से लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी। परिवार वालों का कहना है कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा यहाँ पर अच्छा इलाज नहीं होता है, प्राइवेट ले जाओ। ऐसा लगता है जिला अस्पताल के डॉक्टरों का प्राइवेट अस्पताल से कोई सेटिंग हो गई है। मरीजों को जिला अस्पताल से प्राइवेट भेज दिया जाता है, इसलिए प्राइवेट वेग अस्पताल की एम्बुलेंस जिला अस्पताल परिसर में 2-3 रोजाना खड़ी रहती है। अस्पताल के अधिकारियों को जानकारी है, उसके बावजूद भी उन प्राइवेट एम्बुलेंस पर कोई सख्ती नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग को लगातार चूना लगाया जा रहा है। भाई मैं बताऊँ, ओम प्रकाश। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? मेरा भाई नहीं है, साला है। साला क्या हुआ था? इन्हें नशा दे दिया फिर, और इन पे इलाज करवाने के लिए आए थे हम लोग जिला अस्पताल में। हाँ, और ये कह रहे थे, बोले थे प्राइवेट में ले जाओ। क्यों? कह रहे इन पे इलाज नहीं होता सही। किसने भेज दिया? डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे अंदर बुला के। कहाँ से आ रहे तुम्हारे भाई? जे याद है हल्द्वानी से। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहता हूँ करेली, जे रहते हैं उसका क्या नाम है डका। हाँ, राजगिरी का काम करते हैं। तो भर्ती कर लिया गया था, क्या हुआ था? हाँ, तो उनका इलाज नहीं हो रहा था, जो ऐसे आए थे हम तो पड़े थे। अच्छा। हाँ, बाहर ले जाने के लिए प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट में ले जाने के लिए कह दिया। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, इलाज यहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होगा। क्या कहा था? अच्छा इलाज नहीं होगा, बोले प्राइवेट में ले जाओ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।